आगामी माह में और कई कार्यक्रम बनने वाले हैं। मुख्य रूप से राजस्थान की एक ऐसी सरकार जिसने 4.5 वर्षों में भ्रष्टाचार, लचर कानून व्यवस्था, महिला और दलित पर अत्याचार, दुराचार, आपदा प्रबंधन की दावे की पोल खुलना, रीट के मामले में और चाहे योजना आयोग में पैसा मिलना हो, ऐसे अनेक मामलों को लेकर आगामी समय में राजस्थान सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की भी रचना बनी है। और ऐसे ही कुछ कार्यक्रम आगामी रोड मैप को लेकर आज की कोर कमेटी की बैठक थी। विधानसभा सत्र आने वाला है, तो उसमें भी किस प्रकार के मुद्दे जो है वो पार्टी उठाने वाली है? देखिए, राजस्थान की सरकार ने किसानों के साथ वादा खिलाफी की, युवाओं के साथ धोखा किया, महिलाओं की सुरक्षा सरकार नहीं कर पाई, भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, महंगाई चाहे बिजली, डीजल, पेट्रोल हो, चरम पर महंगाई पहुंची। ऐसे में इस दोहरे चरित्र वाली सरकार को सिर्फ केंद्र की सरकार की योजनाएं के अलावा राजस्थान की सरकार ने 4.5 वर्ष में कुछ नहीं किया। जो सरकार 5 साल के लिए चुन के जनता भेजती है, मुझे लगता है ये सरकार 5 महीने की है। 4.5 साल आराम करो और 5 साल योजना लेकर आओ। ये सरकार 5 साल की नहीं लगती, ये सरकार 5 महीने की लगती है।